ओम शांति। 28 जून 2023 की साकार मधुर मुरली। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो, पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुक्त करो। प्रश्न, मोस्ट बिलेवेड बाप में कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है, क्यों और कब? बाबा उत्तर देते, बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते, संग दोष में आने से ही संशय उठता है। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रही, ऐसा भूल जाते जो अपनी खुश खैराफत का समाचार भी नहीं देते, क्लास में भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसलिए बाबा कहते, बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहना, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। अटेंशन प्लीज, कि संग बिगड़ा तो कब माया थप्पड़ लगा देगी पता भी नहीं चलेगा, चूहे के समान मीठा मीठा फूंक मार के खा जाएगी। आज का गीत है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। अभी परम शिक्षक ये पाठशाला चला रहे हैं, ये तो समझाया गया है, वह परमपिता भी है तो परम शिक्षक भी है। तुम बाप के बनते हो, इस समय बाप जो तुम्हारी परवरिश करते हैं वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, फिर तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने की शिक्षा दे रहे हैं। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे जास्ती पाप कराने वाली माया रावण है। सबसे बड़ा पाप है एक दो को पतित बनाना। 21 जन्म के लिए आत्मा को पावन बनाने का पार्ट पतित पावन बाप का है। जब वो गॉडफादर कहते हैं तो आंख जरूर ऊपर करते हैं, फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप समझाते हैं, इस माया रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। सब परमात्मा को याद करते हैं क्योंकि जानते हैं ये दुखधाम है। साधु लोग भी समझते हैं ये दुखधाम है, इसलिए साधना करते हैं शांति धाम में जाने की। भारतवासी भी चाहते हैं हम श्री कृष्ण पुरी में जाए। सभी से प्यारे ते प्यारा है श्री कृष्ण, परंतु भारतवासी समझते नहीं कि वह कब आया, क्या आकर किया। बाप कहते हैं, यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं, भल दान पुण्य तो करते रहते हैं, इससे अल्पकाल सुख मिलता है, ऐसे नहीं कि सदा सुखी सदा शांत बन जाते हैं। दुखधाम में सदा शांति तो हो नहीं सकती ना, एक घर में भी शांति नहीं रहती है, कोई न कोई झगड़ा रहता ही है। इसलिए परमपिता परमात्मा को पुकारते हैं, बाबा इस पाप की दुनिया से और जगह ले चल। कोई चाहते हैं निर्वाण धाम में जाए, परंतु जब उसका भी मालूम हो तब तो जा सके ना, निवास स्थान का पता हो तो वहां जा भी सके। समझो पिकनिक करने जाते हैं, कहेंगे आज फलानी जगह पिकनिक करें, जगह का मालूम होगा तब तो जाएंगे ना। मनुष्य समझते हैं हम वैकुंठ जावे, परंतु जानते नहीं कैसे जाए। कोई मरता है तो कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली एबोर्ड, तो जरूर नरक में है ना। कहते भी है पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, स्वर्ग में तो है ही पावन, वहां मनुष्य गाते रहते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि ये पतित सृष्टि है। परंतु समझते नहीं, अपना नशा रहता है, कितनी उन्हों की महिमा होती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कितना उनका करते हैं, कितनी उन्हों की महिमा होती है। अभी तुम समझते हो, हम बाप के साथ बैठे हैं, समझते हैं ना, सभी दिल से कहें हाँ जी बाबा, हम बाबा के साथ बैठे हैं।
वह सबसे ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा है। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा है, वह रूहानी पिता, ये जिस्मानी पिता, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा कहते हैं ये दुख की दुनिया है ना, बाप आए हैं सुखधाम बनाने, इस समय टीचर के रूप में बैठे हैं, फिर ले जाएंगे साथ में, तो तुम बच्चों को अब लायक बना रहे हैं। सभी को ले तो ज़रूर जाऊंगा, तुम जानते हो न हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। आत्मा जब शरीर से अलग शांत है तो राजाई नहीं कर सकती, राजाई करनी है शरीर के साथ। पहले तो ज़रूर स्वीट होम जाना पड़े, तो ज़रूर स्वीट बाबा चाहिए। बाप समझाते हैं हे भारतवासियों, मेरा जन्म भी भारत में ही होता है, मैं आया ही भारत में हूँ। हमको ये भी पता नहीं कि बाप पहले कब आए थे, आकर भारत को बेगर से प्रिंस बनाया था। तुम मेरी जयंती मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हो ना, कहे हाँ जी बाबा। फिर होती है श्री कृष्ण जयंती, जब तक शिव जयंती न हो तब तक श्री कृष्ण जयंती हो कैसे सकती। स्वर्ग की जयंती और नरक का विनाश होना है, स्वर्ग की जयंती शिव बाबा ही करेंगे, श्री कृष्ण थोड़ी करेंगे। श्री कृष्ण की तो तुम महिमा करते हो कि वह वैकुंठनाथ शिव भगवान की बायोग्राफी कहाँ है, श्री कृष्ण की महिमा करते हो कि वो वैकुंठनाथ है, बाकी फिर बाबा कहते शिव भगवान की बायोग्राफी कहाँ पर है। कोई भी नहीं जानते, अभी तुम जान गए हो। आजकल तो शिव जयंती का कोई मूल्य नहीं रहा है, शिव जयंती नाम भी उड़ा दिया है। त्रिमूर्ति के ऊपर भी शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। बाप समझाते भी है और फिर साथ साथ कहते हैं बच्चे ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग, आधा है ना, आधा आधा है दोनों। अब वो लोग सतयुग त्रेता को लाखों वर्ष कह देते हैं और कलयुग की आयु छोटी दिखाते हैं, तो फिर आधा आधा कैसे होगा। सतयुग को बहुत लंबा कह देते हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष कह देते, आधा आधा तो नहीं हुआ। फिर भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है, चार हिस्से का भी महत्व है। जगन्नाथपुरी में चावल का हुंडा बनाते हैं, फिर उनके चार भाग हो जाते हैं। स्वस्तिका में भी चार भाग दिखाते हैं, उसमें गणेश निकालते हैं। ये सब है पूजा की सामग्री। बाप कहते हैं अभी तुम्हारे पापों का खाता चुकतू हो, पुण्य का खाता जमा हो रहा है। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, तब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। योग अग्नि से पाप भस्म करके पुण्य आत्मा बन रहे हैं ना हम सभी, कहें हाँ जी बाबा, हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। गंगा स्नान करने जाते हैं पवित्र बनने के लिए, फिर आकर अपवित्र बनते हैं। परंतु ये भी और कोई समझा नहीं सकते, बाप फिर भी बाप है, बाकी तो सब भाई भाई है। आत्मा के रूप से सब भाई भाई है, भाई को भाई से कोई भी प्रकार का वर्षा मिल नहीं सकता, वर्षा मिलता ही है बाप से। बाप एक है, इसमें कंबाइंड है, वह हम आत्माओं का बाप और यह फिर है मनुष्यों का पिता, प्रजापिता है ना। अभी तुम जानते हो कि हम इस पाप की दुनिया से सुखधाम में जा रहे हैं, श्रीमत से हम श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण से देवता बनते हैं, वर्ण भी भारत के साथ ही लगते हैं और धर्मों के साथ वर्ण नहीं लगते हैं, ब्राह्मण वर्ण फिर देवता वर्ण फिर क्षत्रिय वर्ण, ये ऑलराउंड हुआ ना। औरों को इन वर्णों में नहीं ला सकते, विराट स्वरूप में भी ये वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण वर्ण ही ईश्वरीय वर्ण है जिसमें
तुम आकर बाप के बच्चे बनते हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम बीके हो। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन या हाँ बाबा कहते हैं जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन का जिस्मानी बाप हुआ ना, रूहानी बाप सभी का तो एक ही है। वह निराकार बाप आकर साकार शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण की खड़ाऊ आदि रख पूजा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरे तो न चरण है, बाबा को तो चरण नहीं है, न खड़ाऊ पहनता हूँ, क्योंकि वो तो आत्मा परमात्मा है ना। हम आत्माओं को अपने चरणों पर कैसे झुकाऊंगा, बाबा कहते हैं शिव बाबा परमात्मा बिंदी है, तो बाबा कहते हैं हम परमात्मा हैं, हाँ कोई शरीर नहीं है, तो न चरण है न खड़ाऊ है, तो हम माताओं को अपने चरणों पर कैसे झुकाऊंगा। बाप जानते हैं बच्चे बहुत थके हुए हैं, बच्चों का थक आकर मिटाते हैं। बाबा हमारी थकान मिटा रहे हैं ना, सुकून दे रहे, कहें हाँ जी बाबा, इस थकावट से ही दूर कर देते हैं। सतयुग में थकावट की तो बात ही नहीं रहती, अभी तो माथा टेकते टेकते टिप्पड़ घड़ी घड़ी घिसाते टिप्पड़ी खाली कर दी है। वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी। बाप कहते हैं हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया था, अब फिर बना रहा हूँ। ये एक एक वर्जन्स लाखों रुपयों की मिल्कियत है। भारत कितना कंगाल बना है, इतना इंसॉल्वेंट कभी कोई होता नहीं। प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट लोन लेती रहती है, किस्म किस्म की तरकीब निकालते हैं लोन लेने की। भारत की गवर्नमेंट बेचारी सब भूल गई है, जो खुद मालिक थे वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। अब समझते हैं बरोबर हम सो देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे। हम सो इस समय ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुलभूषण हैं, फिर हम सो देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। यह हम सो का अर्थ तुम समझते हो। वह फिर कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मनुष्य को ये भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है, कहते हैं स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योति ज्योत समाया। आत्मा को भी मॉर्टल बना देते हैं, बुद्ध बुद्धि है ना, ये भी ड्रामा बना बनाया है। ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा, ये सीन भी ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे। सो भी जो पक्के सर्विसेबल बच्चे होंगे, साक्षात्कार भी पहाड़ी से होता है। तुमने नाटक देखा होगा कैसे विनाश होता है, आग लग रही है, मूसलधार बरसात पड़ रही है, अनाज नहीं मिलता, कहते हैं शंकर के आँख खोलने से विनाश हो जाता है। ये तो गायन है, इसमें आँख खोलने की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो ड्रामा की भावी है। बाप आकर नई दुनिया बनाते हैं, अब दुनिया बदल रही है, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर भी माया कितनी दुस्तर है। ऐसे बाप के बनकर फिर छोड़ देते हैं, जाकर बदनामी करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे आज है नहीं। बिलेवेड बाप या बिलेवेड पति होता है तो हफ्ते हफ्ते पत्र ज़रूर लिखते हैं। बच्चा बाप को पत्र लिखते हैं खुश खैराफत का, यहाँ से जाते हैं तो माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, धनवान है तो माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है, गरीब को इतना नहीं मारती, बाबा नाम नहीं लेते हैं। बाप दादा पास आए कितनी सेवा की, कोई ने कुछ बोला संशय आया और खलास, न चिट्ठी न क्लास में जाना, खत्म हो जाते हैं। जैसे गर्भ में बच्चे को सजा मिलती है, कहते हैं फिर हम जेल बर्ड नहीं बनेंगे, हमको बाहर निकालो, फिर बाहर आने से संग दोष में आ जाते हैं। वहाँ की वहाँ रही, ऐसे ही यहाँ से घर में गए खलास, यहाँ की यहाँ रही, यहाँ तो
बड़ा मज़ा आता है। यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि है नहीं, शूद्र कुल में गए और माया घसीट लेती है। माया तुम बड़ी ज़बरदस्त हो जो तुम मेरे को याद करना भुला देती हो, ज्ञान भी भूल जाते हैं। अभी वही बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। मनुष्य भगवान को ही धर्मराज समझते हैं। कहते हैं भगवान ही सुख दुख देते हैं, दुख माना सजा। बाप कहते हैं मैं दुख नहीं देता हूँ। एक तो रावण तुमको दुख देते हैं और दूसरा फिर गर्भ जेल में धर्मराज तुमको सजा देते हैं। जो पाप किए हैं उनका साक्षात्कार करा देते हैं। सतयुग में तो गर्भ महल होता है अथवा क्षीर सागर कहो। दिखाते हैं क्षीर सागर में श्री कृष्ण अंगूठा चूसते मज़े में पीपल के पत्ते पर बैठा है। वह है गर्भ सागर। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल रहता है। अंदर पापों की बहुत सजा मिलती है। माया का राज्य है ना। 63 जन्म गर्भ जेल में जाना पड़ता है, फिर वहाँ गर्भ महल में 21 जन्म बड़े आराम से रहते हैं। कोई पाप होते नहीं जो त्राही त्राही करनी पड़े। तो ये तुमको बाप टीचर सदगुरु समझा रहे हैं। तुम समझते हो हम भी बुद्धू थे, अभी समझदार बन रहे हैं। जब मनुष्य पतित बन पड़ते हैं तब बाप एक ही बार आकर पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, वह चक्र का अर्थ थोड़ी जानते हैं। समझते हैं पांडवों कौरवों की लड़ाई चली तो श्री कृष्ण ने ये चक्र फिराया विनाश के लिए, आदि आदि बहुत ही दंत कथाएं लिख दी है। ऐसे है नहीं, हमको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिला है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं, सारे विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी मालिक ठहरी ना। अभी प्रजा भी कहेगी हम भारत के मालिक हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। परंतु राजा और प्रजा में फर्क तो है न, वह अभी ही सारा पढ़ाई से पता पड़ता है। अच्छा, पतित से पावन बनाने वाले माता पिता बाप दादा का पतित से पावन बनने वाले बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संग दोष में आकर बाप को भूलना नहीं है, संशय नहीं उठाना है। दूसरी पॉइंट, अंतिम विनाश के सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी है। आज का मीठा वरदान, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। तो आज का सम्मान है, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हूँ। विश्लेषण, हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। ये वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगमयुगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं सेवा सबन संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। स्लोगन है, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी
जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। छह, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास अव्यक्त वाणी पर आधारित 9:45 बजे, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 5:45 बजे। ओम शांति।